हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे थे देहरादून किसी काम से, तो हमें रास्ते में मिल गई हैं बाइकर्स। भाई रास्ते में पूरा मज़ा आया इनके साथ कार ड्राइव करने में, जबकि ये बाइक पे थे और हम लोग कार से थे। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि हम इनसे आगे जाके इनसे मिलना चाह रहे थे, इन्हें रोकने के लिए हमें अब सबसे फर्स्ट वाली बाइक को रोकना था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, हम इन्हें चेज़ कर रहे थे तो ये और ज़्यादा तेज़ी स्पीड से जा रहे थे। हम 120 जा रहे थे, हम 130, हम 130 आ रहे थे तो 140, तो हम 140 तक गए इन्हें रोकने के लिए। तो उन्होंने अपनी स्पीड 150 की कर ली, 150। तो हमें सेफ नहीं लगा, तो भाई हमने अपनी कार ही रोक ली और पीछे से ही बस मज़े लेते रहे, इन्हें देखते रहे। ये मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से हो गए, तो हमें लगा कहीं कोई हादसा ना हो जाए इनके साथ या हमारे साथ। तो सेफ्टी के लिए हमने अपनी कार हल्की कर दी ना, भाई तुम जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं। होता है कई बार बंदे रुक जाते हैं, कई बार नहीं रुकते, तो ये रुक के अपना टाइम ही ख़राब करना चाह रहे होंगे शायद। तो इसके लिए हमने इन्हें रोका नहीं, फिर और हम रुक गए खुद से ही, पीछे हो गए, मतलब रुके तो नहीं, हम स्लो हो गए। तो हम जा रहे थे देहरादून और कोहरा और सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रास्ते में, जबकि हमें पता लगा देहरादून में बहुत अच्छे हालात हैं। तो मेरे साथ है शुएब भाई, जो कि हम दोनों साथ ही जा रहे थे। तो ये हम जैसे ही मोंड के पास आए तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप निकल गई, बढ़िया मौसम हो गया। तो हमारा मन किया कि कुछ यहाँ पर रुकें, अपना चाय वाय कुछ पकौड़े वगैरह खाएं पिएं और फिर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया यहाँ पे। आगे रुकना तो बनता ही था फिर यहाँ पर, वो वैसे भी हम लोग ज़्यादातर रुकते हैं यहाँ पर, एक ढाबा है वहाँ की चाय वगैरह भाड़ा कर लेते हैं, अच्छी चाय बनाता है यहाँ। तो अभी रुक के हम अपना चाय पकौड़े वगैरह ऑर्डर करते हैं, बने रहिएगा वीडियो पर। तो आ गए हैं हमारे पकोड़े हरी चटनी और केचप के साथ, बंदा बहुत अच्छे बनाता है पकोड़े। ये ब्रेड, हाँ सॉरी ब्रेड के नहीं, पनीर के पकोड़े हैं। ज़्यादा हमने लिए नहीं क्योंकि पनीर पेट ख़राब करता है भाई, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए बस बहुत है इतना। गरम गरम, वाह वाह वाह, मज़ेदार। तो चटनी भी अच्छी बना रखी है इन्होंने, कैचअप तो हमने लिया नहीं खास कुछ कैचअप, क्योंकि गला ख़राब करता है भाई सर्दी में। लेकिन पकौड़े बहुत अच्छे थे इनके। और अभी हमारी चाय भी आ रही है कुल्लड़ वाली चाय ऑर्डर कर दी है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े सर्दी में हल्की हल्की धूप के साथ, मज़ा ही तो आ गया इस ट्रिप का। Yeah, yeah, yeah.
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि एक रास्ता निकल रहा है देहरादून जाने के लिए सीधा। पता नहीं शायद ये इस रोड को चलाएंगे आगे या बंद कर देंगे, क्योंकि ये बाइकर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रोड है। ये कह रहे हैं कि ये रोड सीधा जाएगा बिल्कुल डाट पे, जो डाट मंडी होता था ना पहले, अब वहाँ पे इन्होंने एक और डाट बना दिया है, तो ये वहाँ पे सीधा उसे क्रॉस करता हुआ जाएगा। और ये झील बना रखी है छोटी सी, तो अब इस रास्ते का पता नहीं क्या होगा, ये चालू रहेगा या इसे बंद कर देंगे ये लोग। वैसे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसे ये पार्क में मिला देंगे, यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आया करेंगे वो निकला करेंगे यहाँ से। अब ये टाइम ही बताएगा आने वाली प्लानिंग क्या है प्रशासन की यहाँ के लिए। वैसे जो कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा। वो देखो वहाँ पर खुदाई चल रही है, क्रेन कहाँ से पहाड़ को काट रही है। तो ये बहुत पूरे रास्ते देखने को मिला, ऊपर ऊपर तक क्रेनें चल रही हैं, पहाड़ को काट रही हैं, इससे पत्थर और इसके अंदर जिससे भी पहाड़ बनाए हैं सब चीज़ों को रास्ता बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो डाट मंदिर तक ये ट्रक जा रहा है, देखो ये मिट्टी या जो भी कुछ इसमें से भर के लाएगा, इसमें से निकालने के लिए ये सारे पहाड़ काटते हैं इन्होंने। कुछ लोगों ने पहले देखा हुआ यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे, जो कि इन्होंने प्लेन कर दिया बिल्कुल। पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया इन लोगों ने, प्लेन कर डाला बिल्कुल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे पहले पहाड़ था। ये रास्ता अगर इन्होंने बंद कर दिया तो भाई याद बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइक से जाने में बड़ा मज़ा आता है। आज तो हम बाइक से नहीं गए क्योंकि सर्दी बहुत है, तो हम कार से ही जा रहे हैं। तो देहरादून में एंट्री करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे नमाज, क्योंकि जुमे का टाइम हो गया है। तो ये मस्जिद मिली हमें यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, फारिग हो लेते हैं जुमे से, उसके बाद चाय पियेंगे एक और गर्मा गर्म। तो गाइस अभी आए हैं हम चाय का बाहर चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर जाते जाते हम एक लाइट लेने के लिए रुक गए थे, ये लाइट चाहिए थी तो हमने खरीदी यहाँ पर देहरादून में एंटर होते ये शॉप थी सबसे पहले, तो हमने जाते हुए ली थी शाम में। तो ये देखो भाई कोहरा, ये सिर्फ लाइटों की वजह से नहीं यहाँ पे दिख रहा है, वरना ये जब भी लाइटें ख़त्म हो जाती हैं ना हाईवे के बीच में तो इतना कोहरा है बस पूछो बस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।